आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी डोंगा गली में पाइपलाइन ट्रैक। पाइपलाइन ट्रैक को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कैसा। फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे विजिट है, तो चलें अपना पाइपलाइन ट्रैक का सफ़र शुरू करते हैं। आए गलियात की इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट लेंगे पाइपलाइन ट्रैक और मोटो टनल से। यह ट्रैक ब्रिटिश दौर में बनाया गया और इसका मकसद अयूबिया में फौजी यूनिट को पानी की फराहमी था, इसी वजह से इसे पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। ये ट्रैक डोंगा गली से स्टार्ट होता है अयूबिया की तरफ और इसका फासला 4 किलोमीटर है। पाइपलाइन ट्रैक से मोटो टनल का फासला 540 फीट है। यहाँ से मुख्तलिफ होटल्स हैं जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं अगर आप रात को ट्रैवल करें और होटल में नाइट स्टे करें। ये जो पॉइंट है इसको डोंगा गली कहते हैं। अब यहाँ से वो सामने पाइपलाइन ट्रैक का जो बोर्ड लगा है, यहाँ से राइट हैंड साइड पर आपने पाइपलाइन ट्रैक की तरफ जाना है। आपके पास स्टिक्स नहीं है तो यहाँ से आप रेंट पे भी ये स्टिक ले सकते हैं। इसका कितना किराया है भाई? 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपये इसके सिक्योरिटी है और 100 रुपये इसका किराया, और जब आप वापस देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप ले सकते हैं 100 रुपये आपको। हाँ, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ से आप, यहाँ से क्या शॉप का नाम है, बिस्मिल्लाह से आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आ जाएँ। ये जो जानवर वगैरह जो आपको जंगल में मिलेंगे, उम्मीद यही करें कि ये आपको नहीं मिलें। ट्रैक की हदूद यहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन ट्रैक करने से पहले, लेकिन आपने जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं। गंद शंद नहीं पाना इतने, ठीक है। यहाँ पे पुलिस भी फिरती है, वो आपको पकड़ भी लेंगे, ठीक है। इसको मजाक नहीं लेना, ज़रा सीरियस लेके आपने फॉलो करना है, ठीक है। गंदगी का और शोर शराबा यहाँ पे, म्यूज़िक वगैरह बिल्कुल भी नहीं। और ये देखें जो मेडिसिन प्लांट हैं, जो जड़ी बूटियाँ यहाँ पे जो दवाइयों के लिए बनती हैं वो यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। चले, मैं सबसे पहले टिकट लेता हूँ। ये टिकट है, ठीक है, और 10, 20 और 500। फॉरनर जो हैं उनके लिए 500 रुपये की टिकट है, ठीक है। अडल्ट जो हैं जैसे कि 18 साल से ऊपर उनके लिए 20 रुपये, और जो 18 से नीचे उनके लिए 10 रुपये के लिए। चलें आगे चलते हैं। अभी तकरीबन 0.5 किलोमीटर हमने तय किया, और उसके बाद ये देखें, ये वो जानवर हैं, ये वो जो रेप्टाइल्स हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं। तो काइंडली अगर आप अपने बच्चों को लेके आएँ तो उनका ख्याल रखें ताकि इन चीज़ों से आप बच सकें। तो इसके बाद अभी आगे चलेंगे। अभी 3.5 किलोमीटर अभी और ट्रैक है जो हमने अभी कवर करना है। वो सारा ट्रैक है यहाँ से गुलाई से, वो सारा ट्रैक यहाँ से सीधा ये अयूबिया निकलेगा ट्रैक। जी कैसा लग रहा है, कैसा मौसम है? बहुत ठंड है, है? जैसे जैसे सूरज ग्रुप हो रहा है ना, बढ़ती जा रही है। हमने इजी लिया था काफ़ी से, क्योंकि पहले धूप थी दोपहर में। वापसी में पता चलेगा, होपफुली मगरिब ना हो जाए वापसी तक। काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें, क्योंकि अभी यहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। कई कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये बर्फ़ है, और बाकी ये सारा भी ग्रीनरी यहाँ पे शुरू हो गई है। तो मेरा आपसे ये यही कहना है कि जब भी अगर आप इस ट्रैक को कवर करना चाहते हैं, इस ट्रैक पर अगर आप आना चाहते हैं, तो बॉस 12 बजे तकरीबन आप ये शुरू करें, क्योंकि अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं
और जो सूरज है वो ग्रूब होना शुरू हो गया, और अभी होपफुली अभी हम ये ट्रैक पूरा करेंगे, उसके बाद वापस इस ट्रैक पे जब आएंगे तो यहाँ पे मगरिब हो चुकी होगी। तो आप कोशिश यही करें, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप इसको तकरीबन 11 बजे शुरू करें ताकि आप 2 या 3 बजे तक इसको आप ख़त्म कर सकें। बी सेफ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ कर सांस ले सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और ये खामोशी का और इन परिंदों की आवाज़ का मज़ा लेते हैं। आ जाओ, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, काफ़ी खामोशी है, काफ़ी सुकून है, शोर शराबे से दूर ऐसी जगह पर आपको आके बहुत ही अच्छा लगेगा। और सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात, ये ट्रैक 5 बजे बंद हो जाता है दोनों साइडों से, डोंगा गली से भी और अयूबिया से भी। तो अगर आपने इस ट्रैक को कवर करना है तो आपको बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप दरमियान में फंस जाएंगे, क्योंकि 5 बजे ही दोनों दरवाज़े जो हैं, दोनों गेट, अयूबिया से भी और डोंगा गली से भी, ये गेट बंद हो जाएंगे। तो इस टाइम तकरीबन 4:40 हो चुके हैं, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने 2.5 किलोमीटर तय किया है, ना हम आगे के हैं ना हम पीछे के। इससे पहले कि गेट बंद हो तो हमें अयूबिया वाले गेट पर फौरन पहुँचना पड़ेगा। तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया अभी, बिल्कुल कोई इसमें हाइकिंग नहीं है, सीधा सीधा ट्रैक है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर रहते हैं इसको जॉगिंग ट्रैक उन्होंने तसव्वुर किया होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे मेरे पास ही तो मैं ले आया। लेकिन जब यहाँ पर स्नो फॉलिंग नेक्स्ट सीज़न में अगर आप कभी भी आएँ सर्दियों में तो आप लेके आएँ, लेकिन गर्मियों में इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी अंधेरा होने वाला है तो अभी हमें निकलना होगा, तो आप मुझे फॉलो करें और बाहर का रास्ता देखें। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, आदत हो गई थी इसको। पहले मुश्किल हुई थी। अच्छा, कुमराट, हाँ कुमराट का सफ़र नहीं भूलता भाई, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था। तो कुछ भी नहीं उसके आगे। अब तो आदत सी हो गई है। हाँ, मोटो टनल जो कि यहाँ से 540 फीट नीचे है, यहाँ से आप आते हैं, ये पाइपलाइन ट्रैक है, ये जो डोंगा गली से आता है, उसके बाद ये जो ऊपर जाता है ये अयूबिया की तरफ पॉइंट जाता है, ये अयूबिया की तरफ पॉइंट जाता है, और उसके बाद ये जो नीचे एक पॉइंट जाता है, ये वाला, ये जो नीचे पॉइंट है ये जाता है टनल की तरफ। पाइपलाइन ट्रैक जो हमारा हो गया सक्सेसफुली, कामयाब हम उसमें हो गए, तो हम ज़रा जल्दी बाहर आ गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो अभी एक टनल है मोटो टनल, जिसका आपने काफ़ी सुना होगा, ये काफ़ी पहले, मतलब इसकी हालत काफ़ी खस्ता थी, लेकिन केपीके गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छा रेनोवेट किया, इसको एक हिस्टोरिकल जो प्लेस है इसको मतलब सही किया ताकि लोग इसको विज़िट कर सकें। जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया कि डोंगा गली से अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पाइपलाइन ट्रैक जो कि 4 किलोमीटर का है वो आपने पूरा ट्रैवल करना है। उसका जो गेट होगा, गेट को आप क्रॉस करेंगे तो 2 पाथ निकलते हैं, ठीक है, एक जो पाथ जो ऊपर जाता है वो जाता है अयूबिया की तरफ, ठीक है, और जो नीचे जो पाथ जाता है वो जाता है टनल की तरफ। तो अब जाके हम देखते हैं, मगरिब भी होने वाली है, होपफुली हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, तो चलें आए आपको टनल का विज़िट करवाता हूँ। ये है वो टनल जिसका वो जो सारा व्यू है, ये पहले इस तरह होती थी टनल, ये उसके बाद ये केपीके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद इन्होंने इस टनल को साफ करना शुरू किया, जिसके बाद ये टनल कुछ ऐसे दिखती है। हाँ जी, तो यहाँ पर अभी हमें टिकट लेनी पड़ेगी। जी
तो ये जो टिकट है टनल की, ये 20 रुपये पर हेड है ये टिकट का, वही टिकट सेम जैसा फॉरनर के लिए 500 रुपये टिकट, अडल्ट के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये है। चलें अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये है वो टनल। ये जो टनल है ये 1851 में बनाई गई है। ये केपीके से पाइपलाइन ट्रैक, ये देख लीजिए, ये सारी पाइपलाइन है जो पानी जाता है मरी से होता हुआ सीधा आगे पंजाब की तरफ। केपीके से ये पानी सीधा पंजाब की तरफ जा रहा है और उन्होंने ये पाइपलाइन बिछाई है। ये देखें, ये अभी तक इधर पानी है, ये जो ऊपर बर्फ का जो पानी होता है ये इस टनल में इसी तरह नीचे आता है। तो चलें अभी, काफ़ी अच्छी है ये केपीके की तरफ से ये जो काविश उन्होंने की है। जैसा कि ये ख़राब हो चुकी थी लेकिन उन्होंने फिर इसको खोला, रेनोवेट किया। तो चलें आगे चल के देखते हैं। तो ये हमारा गैंग, तो आज का हमारा दिन ख़त्म होता है मोटो टनल पे। हमने ये आज का दिन ख़त्म किया, तो अभी हम जाएंगे यूबिया। तो जैसा कि ये मेरा भाई फ़ज़ान अमजद, जिसको आप कह सकते हैं फेमस दुबई वाले, मेरी जितनी भी दुबई की वीडियो होंगी सारी ये वहाँ पे होस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये छोटे भाई फैज़ान जो इस कैमरे के पीछे होते हैं, ठीक है, हनान, ये मेरे छोटे भाई जो कि इस कैमरे के पीछे होते हैं। और ये हमारा ख़ास दोस्त, आप समझ सकते हैं ना कि कितना खास है ये हमजा इसका नाम है हमजा। तो जी कैसा लगा आज का दिन आपको? ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा और उम्मीद नहीं थी इतना मज़ा आएगा। ख़ास तौर पे ये जो टनल थी, टनल का हमें बहुत मज़ा आया। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? अयोध्या से खानसपुर। खानसपुर में हमारा स्टे होगा, तो उसके बाद कल हम निकलेंगे इंशाल्लाह मशकपुरी ट्रैक पे। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला है। अल्लाह की कुदरत है, ये देखिए आप इस टाइम जो ये परिंदे चहचक आ रहे हैं, माशाल्लाह कैसा इनका खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, इस ग्रुप को दीजिए इजाज़त। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, ये थी वो टनल। तो कैसी लगी आपको टनल? छोटी सी टनल है लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो अभी हम अयोध्या में स्टे करेंगे, तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। गलियात की इस सीरीज़ में अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को, जिसका नाम है अम्यूज़र स्टूडियो, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। और हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती है या बुरी लगती है, जिस तरह की भी लगती है, लेकिन उन पे कमेंट्स लाजमी करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।